उत्तराखंड के जोशीमठ जैसा खतरा अब हिमाचल प्रदेश में भी मंडरा रहा है। धर्मशाला के एक भूगर्भ शास्त्री ने जमीनें खिसकने को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है। भूगर्भ शास्त्री की माने तो अगर इस क्षेत्र में भू मंजिला निर्माण नहीं रुका तो आने वाले समय में यहाँ की जो मिट्टी है, कच्ची मिट्टी, संकट पैदा कर सकती है। इस समय मैं धर्मशाला के मैकलोडगंज के खड़ा डंडा रोड में खड़ा हूँ। मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये रास्ता मैकलोडगंज दलाई लामा टेम्पल के लिए जाता है। इस रोड में पिछले वर्ष हुई बारिश के कारण पानी रिसाव ना होने के चलते यह रोड टूटकर अलग हो चुका है। वहीं बात करें धर्मशाला से मैकलोडगंज मेन हाईवे पर भी कहीं कहीं सड़कें बैठ चुकी हैं। और वहीं धर्मशाला के जो भूगर्भ शास्त्री हैं उनके द्वारा भी कहा गया है कि अगर इस क्षेत्र में बहुमंजिला निर्माण नहीं रुका तो जोशीमठ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। धर्मशाला से टीवी ना या क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि जोशीमठ भी एक ऐसी जगह पे है जहां पर ऑब्स्ट्रक्शन ड्रेनेज पैटर्न की वजह से ही आज ये संभावना बनी है। ये आज क्या नहीं हुआ, ये बहुत पहले से धीरे धीरे दरारें चलती आई जो आज एक डिजास्टर के रूप में उभर के आई हैं। धर्मशाला में भी मकलोडगंज बागसुनाग एक ऐसी जगह है, अगर कोतवाली बाजार से ऊपर चले जाओ तो पूरा एरिया लैंडस्लाइड जोन है। और लैंडस्लाइड जोन क्यों बना, ओनली बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। अगर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होता और प्रॉपर सीवरेज सिस्टम को टैग किया होता तो शायद ये प्रॉब्लम ना आती। धर्मशाला, मैकलोडगंज और राजधानी शिमला में बेहतरीन भवनों का निर्माण पर क्या कहेंगे आप सर? धर्मशाला के संपर्क में लूं तो मैं ये कहूँगा कि धर्मशाला में लैंडस्लाइड जोन्स पे अगर हाई राइज बिल्डिंग बनाते हैं तो वो जमीन पे ज़्यादा लोड ज़्यादा हो जाता है, जिससे उसके खिसकने की संभावना और बढ़ जाती है। जहाँ तक शिमला का सवाल है, शिमला में भी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं मगर जो लैंडस्लाइड जोन्स में हैं दे आर एट रिस्क। और साथ में उसमें पानी का अगर ड्रेनेज सिस्टम का प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी तो उनका भी आज के आने वाले दिनों में जोशीमठ में जैसा ही हालात होंगे। सर, भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखे बिना ऊंची इमारतों का निर्माण कितना वाजिब है? आपने ये बिल्कुल सही क्वेश्चन किया, क्योंकि ये एरिया अर्थक्वेक प्रोन भी है और टेक्टोनिकली एक्टिव भी है। धर्मशाला के इर्द गिर्द आपको याद होगा कि तीन थ्रस्ट, धर्मशाला के साउथ से लेकर दरीनी थ्रस्ट, धर्मशाला के नॉर्थ में नड्डी के पास क्रॉस करता हुआ अपना MBT, उसके ऊपर चैल थ्रस्ट, फिर पंजाब थ्रस्ट, इतने ज़्यादा थ्रस्ट होने की वजह से यहाँ की ज़मीन वैसे भी अंडर कंप्रेसिव स्ट्रेंस पे है। और कंप्रेसिव स्ट्रेन की वजह से जो इंटरनल पैरामीटर्स हैं दैट आल्सो कंट्रोल्स टू द लैंडस्लाइड्स प्रॉब्लम्स। उसके अलावा यहाँ ड्रेनेज सिस्टम, आज मैं जानता हूँ कि यहाँ मकलोडगंज से ऊपर ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज ड्रेनेज का कोई समाधान नहीं है। और जब तक वो समाधान नहीं होता तब तक ये प्रॉब्लम चली रहेगी। आपको पता है कि खड़ा डंडा रोड में आए दिन आफता रहती है, कोतवाली बाजार से ऊपर चले जाओ जगह जगह रोड सिंक कर रहा है। इसका मुख्य कारण एक ही है, क्योंकि यहाँ पर नीचे क्ले स्टोन है और क्ले स्टोन के ऊपर लूज सॉइल है, और लूज सॉइल में जैसे ही पानी बढ़ता है, मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाता है, दैट इंक्रीज टू सॉलिड फ्लक्शन, और सॉलिड फ्लक्शन की वजह से सॉइल फूल जाती है एंड दैट मूव्स अलोंग द क्ले स्टोन मटेरियल। पानी की निकासी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्या कहेंगे सर इसमें? इसके लिए तो मैं क्या कहूँगा, पानी की निकासी बहुत ज़रूरी है और पहाड़ों पर अलोंग द कंटूर जो है ड्रेनेज होनी चाहिए और सीवरेज का भी प्रॉपर निकासी होनी चाहिए। क्या यही पानी पहाड़ में रिसकर बड़े हादसों का सबब बन सकता है सर? ऑफकोर्स ये बन सकता है, क्योंकि पानी जब रहेगा तो पोर प्रेशर इंक्रीज होगा, पोर प्रेशर इंक्रीज होगा तो वो लैंड को मूव करने के लिए बाध्य कर देगा, और यही प्रॉब्लम जोशीमठ में हुई है। सर, ऐसे में पहाड़ टूटने के खतरे के बारे में आप क्या कहेंगे? पहाड़ तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जब लैंडस्लाइड होती है तो लूज सॉइल चलती है, पहाड़ टूटने का तो टेक्टोनिक रीजंस होते हैं, और यहाँ पर कोई रॉक स्लाइड्स तो कोई कारण नहीं है, यहाँ पर मेन लैंडस्लाइड्स हैं जो कि पानी की वजह से ही मेन है। अगर पानी के ऑब्स्ट्रक्शंस को ठीक कर दिया जाए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि हिमाचल में भी खतरा मंडरा रहा है, और कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर जो है इस प्रकार की घटनाएँ जो हैं वो हमें देखने को मिली हैं। अभी हाल ही में अगर हम धर्मशाला की बात करें तो धर्मशाला में हमारा जो ये खड़ा डंडा मार्ग जो जाता है PWD का, उसमें आप देख लीजिए कि वहाँ पे जगह जो वो धस रही है, बैठ गई है।
अभी जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो अभी ये रोपवे बना है, रोपवे के पास एक पोल जो है उसके पास से भूस्खलन हुआ और वहाँ से भी जो है वो धंसना शुरू हो रहा है। उसी के साथ कालीवाड़ी मंदिर कोतवाली बाजार के पास पिछले 6 महीने पहले जो PWD का रोड था वो पूरा का पूरा बैठ गया। इसी तरह मैकलोडगंज के अंदर भी कई प्रकार की ऐसी स्थान हैं जहाँ पे धीरे धीरे वो जगह जो है वो बैठ रही है। तो हमें ऐसा लगता है कि प्रशासन और सरकारों को इसके बारे में जो है अभी से अलर्ट होना पड़ेगा और जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे जो है स्थान चिन्हित करके उसके जो भूमि की सॉइल टेस्टिंग करने के बाद जो है यहाँ कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ स्मार्ट सिटी के नाम पे कंक्रीटिंग की जा रही है, उस कंक्रीटिंग का इफेक्ट भी यही है कि ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे प्रॉपर नहीं है, जिस कारण से पानी की निकासी नहीं होने के कारण भी कई स्थानों पर जो है वो जगह जो है वो धस रही है और कटान भी लगातार यहाँ हो रहा है। तो हमें ऐसा लगता है कि सरकारों को और प्रशासन को इसके बारे में अभी सुध लेनी चाहिए ताकि जोशी मठ जैसी स्थिति जो है वो धर्मशाला में उत्पन्न ना हो सके। देखिए ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो भी स्थिति वहाँ पर हुई है और आम जनता का जीवन भी वहाँ खतरे में पड़ गया है, उनके मकान रिहायशी बहुत बुरी हालत है जो हम मीडिया के थ्रू देख रहे हैं। मेरा तो ये कहना है कि ऐसी स्थिति कहीं पर भी नहीं आनी चाहिए। लेकिन अब आप अगर धर्मशाला के बारे में मुझे पूछते हैं तो ये भी एक पहाड़ी एरिया है जैसे जोशी मठ में है, तो प्रिकॉशंस तो मैं समझता हूँ हर जगह ही लेनी चाहिए, जहाँ पर भी स्पेशली पर्वतीय श्रृंखलाएँ हैं और जहाँ पर बहुत ज़्यादा बस्ती हो गई है। क्योंकि अब यहाँ धर्मशाला में भी अगर आप देखेंगे तो दिन प्रतिदिन जो है यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि बहुत ही अच्छा स्टेशन है ये और वातावरण के हिसाब से भी और रहने के लायक भी और शांति प्रिय और देवभूमि है। तो हर व्यक्ति यहाँ कोशिश करता है कि धर्मशाला जैसे रमणीक स्थल पर हम जो है आकर अपना निवास स्थान बनाएँ, लेकिन उसके साथ वो अपनी सुरक्षा भी चाहता है। तो मैं समझता हूँ कि अब यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ जो कंस्ट्रक्शंस वगैरह हो रही हैं, हालांकि सरकार के इसमें नियम बड़े सख्त हैं जो टाउन कंट्री प्लानिंग के और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वगैरह के, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे अनऑथराइज कंस्ट्रक्शंस वगैरह हो जाती हैं जिनको चेक भी नहीं होता है प्रॉपर और उनके कोई रिकॉर्ड नहीं होता है और जिसकी वजह से जो है पानी का जो बहाव है वो रुक जाता है। और पीछे भी लास्ट ईयर की बात है शायद एक भक्सुनाथ में हमारी जो जगह है मैकलोडगंज के पास, वहाँ पर ऐसे ही नाले का रिसाव रुक गया था पानी का और बहुत पानी फिर एक दूसरी जगह से फ्लड बन के निकला और काफ़ी नुकसान भी हुआ था। तो ये अनऑथराइज कंस्ट्रक्शंस वगैरह या कोई भी कंस्ट्रक्शंस हैं मकानों की, मुझे लगता है कि नियमानुसार ही पब्लिक को भी करनी चाहिए और प्रशासन को भी इसका ध्यान रखना चाहिए। तो धर्मशाला में ऐसी स्थिति ना हो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पब्लिक और प्रशासन मिलकर चलें ताकि किसी तरह का कोई रिसाव ना हो, मकानों को और जान माल का नुकसान होने की कोई आशंका ना रहे। बात करें धर्मशाला से मैकलोडगंज जाते रोड पे भी लैंडस्लाइड हुआ है, रोड पानी की निकासी ना होने की वजह से रोड भी टूटे हैं और धंसे भी हैं, तो क्या कहेंगे सर? देखो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें तो मैं कहूँगा कि पिछले अभी तो सरकार खैर नहीं आ गई है, लेकिन पिछली सरकार की और प्रशासन की ये बहुत लापरवाही है। एक पर्यटन स्थल के ऊपर जहाँ पर हर आदमी ये सोचता है कि यहाँ पर विकास की नई गाथाएं लिखी जाएंगी दिन प्रतिदिन, वहाँ पर अगर एक मेन मैकलोडगंज जैसे पर्यटन स्थल के रास्ते में कोई नुकसान हो जाता है, वो गिर जाता है, तो मैं समझता हूँ उसको तो आपातकालीन सर्विस के तौर पे इमीडिएटली 2 या 3 दिन में मैक्सिमम जो है इसको कवर करके और बिल्कुल सही सहूलियत पब्लिक को देनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मेरे को लग रहा है पिछले 6 महीने से ज़्यादा हो गए इस सड़क को गिरे हुए और पब्लिक बहुत परेशान है, ट्रैफिक के रूट भी बदले जा रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि प्रशासन की कहाँ ढील है। मेरा तो प्रशासन से अनुरोध रहेगा इसकी कोई इमरजेंसी लेवल के ऊपर इमीडिएटली ऐसे हादसों को देखा जाए और पब्लिक को सहूलियत दी जाए।